दोस्तों, दाल भारतीय थाली का एक प्रमुख आहार है और देश के लगभग सभी हिस्सों में इसके अलग अलग तरह से खाया जाता है। दालों में ढेर सारे प्रोटीन और पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। आयरन, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट आदि तत्वों के कारण ज्यादातर दालें हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। दालों को साबुत खाया जाए और छिलके सहित खाया जाए तो ज्यादा फायदेमंद होती हैं। दालों में साबुत मूंग, मसूर, मोठ, राजमा, चना, रोंगी और छिलके वाला मूंग आता है। अंकुरित दालें उनसे भी अच्छी होती हैं, क्योंकि उनमें भारी मात्रा में विटामिन, खनिज लवण, एंजाइम तथा फोक मिलते हैं। ये पचाने में आसान होते हैं। दालों की मुख्य विशेषता ये होती है कि आंच पर पकने के बाद भी उनके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इनमें प्रोटीन और विटामिन बहुत तादाद में पाए जाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं दालों के फायदे और उनमें मौजूद तत्वों के बारे में। चना और चने की दाल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए लाभकारी होती है, बल्कि अनेक रोगों की चिकित्सा करने में भी सहायक होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नमी, चिकनाई, रेशे, कैल्शियम, आयरन व विटामिन्स पाए जाते हैं। खून की कमी, कब्ज, डायबिटीज और पीलिया जैसे रोगों में चने का प्रयोग लाभकारी होता है। बालों और त्वचा की सौंदर्य वृद्धि के लिए चने के आटे का प्रयोग हितकारी होता है। मूंग साबुत हो या धुली पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अंकुरित होने के बाद तो इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की मात्रा दोगुनी हो जाती है। अरहर, इसे तुअर की दाल भी कहा जाता है। इनमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह सुगमता से पचने वाली दाल है, अतः रोगी को भी दी जा सकती है, परंतु गैस, कब्ज व सांस के रोगियों को इसका सेवन कम ही करना चाहिए। उड़द, उड़द की तासीर ठंडी होती है, अतः इसका सेवन करते समय शुद्ध घी में हींग का बघार लगा लेना चाहिए। इनसे भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम व प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बवासीर, गठिया, दमा एवं लकवा के रोगियों को इसका सेवन कम करना चाहिए। मसूर, इसकी प्रकृति गर्म, शुष्क, रक्तवर्धक एवं रक्त में गाढ़ापन लाने वाली होती है। दस्त, बहुमूत्र, प्रदर, कब्ज व अनियमित पाचन क्रिया में मसूर की दाल का सेवन लाभकारी होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। अगले एपिसोड में फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।